Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the goods and service tax registration, and we are going to deal with section 22 to section 30. और इस पूरे इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो नए रूल्स है रजिस्ट्रेशन के जो 1 अप्रैल 2019 से अपडेट किए थे उसके बारे में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में जो एक्ट बनाया था उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन के रूल्स है, रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम्स एंड अदर एडिबल आइस, तो काफ़ी सारे प्रोविजंस डाले हैं इसमें नए इसमें. तो वो सारे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक कोड भी दूंगा जिससे आप याद रख सकते हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं आप. रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम्स एंड अदर एडिबल आइस, तो अगर आप सप्लायर्स हैं आइसक्रीम के या अदर एडिबल आइस के और आप ये स्टेट्स से डील कर रहे हो, दैट इज़ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, तो आपका जो लिमिट होगा वो 10 लाख रुपीज़ का लिमिट है. मतलब 10 लाख रुपीज़ से ऊपर जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा, और 10 लाख से अगर आपका सेल्स कम होगा, टर्नओवर कम होगा, तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो बेसिकली मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, ये आपको स्टेट्स के नाम याद रखने हैं बिकॉज द लिमिट फॉर दिस स्टेट्स इज 10 लाख रुपीज़. और अगर कोई डिफरेंट स्टेट्स होंगे, ये स्टेट्स को छोड़ के कोई और डिफरेंट स्टेट्स होंगे या फिर कोई यूनियन टेरिटरीज भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको याद रखना है 20 लाख रुपीज़ का. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है सब आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस के लिए ये स्टेट्स जो दिए वहाँ पे 10 लाख है, और अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए 20 लाख है. अभी हम सप्लायर्स ऑफ गुड्स की बात करेंगे. तो सप्लायर्स ऑफ गुड्स के लिए आपको याद रखना है अगेन वही स्टेट्स, MMTN के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेक माई ट्रिप से आपने टिकट बुक किया नागालैंड के लिए, मेक माई ट्रिप के साथ आपने टिकट बुक किया है नागालैंड के लिए, तो मेक माई ट्रिप में से आप क्या याद रखोगे? M से क्या था? मणिपुर, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा और N से नागालैंड. तो MMTN दैट इज़ कॉल्ड एज 10 लाख की लिमिट है. तो मेक माई ट्रिप से आपने टिकट बुक किया नागालैंड के लिए, तो उसकी लिमिट कितनी होगी गुड्स के केस में? 10 लाख. फिर प्राइम मिनिस्टर USAT, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, PM USAT के लिए लिमिट है 20 लाख. PM USAT में देखो कौन से स्टेट्स आते हैं, पौंडीचेरी है, मेघालय है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और तेलंगाना है. अगर ये सारे स्टेट्स होंगे तो आपको लिमिट याद रखनी है 20 लाख. तो आपको इसके लिए क्या निमोनिक याद रखना है? PM USAT. उसके पहले के लिए क्या निमोनिक बनाया था हमने? मेक माई ट्रिप से हमने टिकट बुक किया था नागालैंड के लिए, तो मेक माई ट्रिप से टिकट बुक किया नागालैंड के लिए, दैट इज कॉल्ड एज 10 लाख लिमिट. PM USAT द लिमिट बिकम्स 20 लाख. तो पौंडीचेरी, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना एंड द लिमिट बिकम्स 20 लाख फॉर दिस. एंड इफ इन सारे स्टेट्स को छोड़ के कोई डिफरेंट स्टेट्स रहे, जैसे अदर स्टेट्स की बात, इन सारे स्टेट्स को छोड़ के अगर अदर स्टेट्स रहे या कोई डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज होगा, तो द लिमिट इज 40 लाख रुपीज. तो ध्यान से याद रखना है आपको, MMTN तो 10 लाख का लिमिट, PMUSAT 20 लाख और बाकी के केस में 40 लाख. अगर हम सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज की बात करें तो सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज में भी आपको सेम याद रखना है. अगर MMTN है मेक माई ट्रिप एंड नागालैंड, तो आपका 10 लाख का लिमिट होगा, एंड रिमेनिंग स्टेट्स टेरिटरीज के केस में आपका 20 लाख का लिमिट होगा. तो यही कुछ चेंजेस 1 अप्रैल 2019 में रजिस्ट्रेशन के लिमिट्स में चेंज हुए थे. तो आपको ओवरऑल इसमें से हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आप गुड्स को सप्लाई करते हो तो आपका लिमिट 40 लाख का है, और अगर आप सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज रेंडर्ड कर रहे हो, तो आपकी लिमिट 20 लाख है. लेकिन गुड्स में जो 40 लाख की लिमिट है उसमें दो चीज़ें कवर होती है. नंबर वन, अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा, जिसके लिए हमने एक निमोनिक याद रखा था, दैट इज़ MMTN, तो 10 लाख की लिमिट है. अगर PM USAT तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट है. PM USAT में कौन से आते हैं? पौंडीचेरी, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
तेलंगाना, ये सारे के लिए कितना होगा 20 लाख्स, एंड अब बाकी के कोई भी स्टेट्स आ जाएंगे तो आपको लिमिट कितनी याद रखनी है 40 लाख्स। और बाकी जो हम अगर सब सर्विसेज की बात करें उसमें भी MMTN के लिए सेम है 10 लाख्स, और रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज के लिए आएगा 20 लाख्स। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ये निमोनिक से आप ये स्टेट्स के नाम याद रख सकते हैं और जिससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपके एग्जाम से रिलेटेड मिल पाएगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस, लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस और कुछ बेसिक चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। एज ऑलवेज थैंक यू, बाय बाय, वर्क हार्डर बी स्मार्टर।